नमस्कार दोस्तों, एफबीआई हाईकोर्ट के अंतर्गत निकली स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड 3 के फॉर्म में आज काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी भाई बहन परेशान है। अगर आप लोग भी परेशान है तो आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी क्या हुआ है, आज जैसी कल क्या लिंक ओपन हुई इसकी और इस पर बहुत ज़्यादा लोड आ गया, तो इसका जो सर्वर जो है झेलने का थोड़ा कम है। तो ऐसे में इस पर जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है वो उसको भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है ये आज ठीक हो जाए या 2 दिन लग सकते हैं, 1 दिन लग सकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और काफ़ी फॉर्म भरने के लिए भी लंबा समय दिया गया है, 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आपको जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, लगातार आप कोशिश भी करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सबमिट बटन है वो आ नहीं रही। रीवेरीफाई वाले के ऑप्शन के बाद में सबमिट बटन आ जाता है, लेकिन वो अब आ नहीं रहा है। तो ऐसे में आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों। इस पर फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आप लोग फोटो असाइन में अटक सकते हैं, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। और रोजगार पंजीयन, अगर आप अदर स्टेट वाले हो और एमपी में रोजगार पंजीयन करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं, इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों ये सब वीडियो आप देख लेंगे तो आप फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाल फिलहाल में जो है ये टेक्निकल इशू है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये एक तो प्रॉब्लम असिस्टेंट ग्रेड 3 में फॉर्म में आ रही थी अभी तक, लेकिन अब स्टेनोग्राफर वाले इसमें भी आ गई है। तो आप लोग थोड़ा रेस्ट ले लीजिए और कल देखिए या परसों देखिए, क्योंकि अभी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है एमपी हाईकोर्ट की वेबसाइट की तरफ से। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेंगी।